राहुल गांधी पर भड़के सभापति जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। जयराम रमेश ने कहा, चीयर लीडर न बने सभापति। लंदन में राहुल गांधी के माइक बंद कर देने के बयान पर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी नेता जहां नाराज हैं, वहीं दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने राजनीतिक बयान दे दिया है। धनखड़ ने कहा कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर माइक बंद कर देने की बात कहकर देश का अपमान किया है, जबकि हमारे देश की संसद सबसे अनुशासित है। इस सेटिंग ग्लोबल डिस्कोर्स ऑन मेनी इश्यूज, ऑल इंडियंस आर रिलेटेड, द कंट्री इज ऑन द राइज एज नेवर बिफोर एंड इट्स अपवर्ड ग्रोथ ट्रेजेक्टरी इज अनस्टॉपेबल। We are certainly on our way to 2047. Young minds who are before us, some of us may not be around at that time, but the warriors of 2047 who are in their 20s and 30s must not get despair from us. They must get positive directional approach from us. How ironical, how painful, how excruciating pain people like him can feel. The world is applauding our historic accomplishments and functional, vibrant democracy. Some amongst us, including parliamentarians, in overdrive are engaged in thoughtless, unfair denigration of our well-nurtured democratic values. How do we justify such wanton orchestration of factually untenable narrative? And mark the timing, this wholesome, unwholesome misadventure. India is having a moment of glory, being president of G20, and there are people outside from the country working in overdrive to denigrate us. Such misplaced campaign mode to taint and tarnish our parliament and constitutional entities is too serious and exceptional to be ignored and countenanced. जगदीप धनखड़ के बयान के बाद कांग्रेस ने उन्हें अपना संवैधानिक पद याद दिला दिया है, साथ ही संवैधानिक पद की गरिमा बनाए रखने की सलाह दी गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बयान जारी करते हुए पलटवार किया है। जयराम रमेश ने कहा कि राहुल की बात पर उपराष्ट्रपति का बयान निराशाजनक है। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यालय संवैधानिक है, इसे संविधान ने राज्यसभा के अध्यक्ष होने की अतिरिक्त जिम्मेदारी प्रदान की है। ऐसे में उन्हें किसी भी राजनीतिक दल के प्रति झुकाव, किसी दल के प्रति पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। राजनीतिक दल के प्रति निष्ठा का त्याग करने की आवश्यकता होती है। राज्यसभा के सभापति के तौर पर एक अंपायर होते हैं, वह किसी पार्टी के लिए चीयर लीडर नहीं हो सकते। आपको बता दें, लंदन में राहुल गांधी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में मोदी सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने कहा कि भारत में विपक्ष के माइक बंद करा दिए जाते हैं। उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि नोटबंदी पर हमें चर्चा नहीं करने दी गई। वहीं राहुल ने ये कहा कि हमें चर्चा की इजाजत ही नहीं मिलती। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।